बात करते हैं आज सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की। पीरियोडिक टेबल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको लिखते हैं आई डॉट ई से। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक सिंपल सी बात है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये हमारा इनर शेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है मान लो, ये हमारी आउटर सेल है, हमें क्या करना है इस आउटर सेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होगी, उतनी एनर्जी को नीड होगी, वही क्या होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग सोडियम, सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 2.8.1 इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कितनी शेल है, तीन है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में एक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरी में है हमारे 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, हर कोई दुनिया में इस एलिमेंट अपना इस ऑक्टेट सॉरी स्टेबल रहना चाहता है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा भैया, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा निकल जाएगा। अब कितना बचेगा, 2.8। अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वही उसकी क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ आएगी नहीं है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग आप नोट करो, चलो अब हम बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले बात करेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा एक बात तो रहेगी, जब हमको एनर्जी की या किसी चीज की नीड होती है, जब हमको एनर्जी की नीड होती है तो उसकी एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, ग्रेटर देन जीरो, और वो रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, एंडोथर्मिक। और जब एनर्जी की रिलीज होती है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, जब हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन को लाते हैं आउटर सेल पे, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लिया हमारे पास कोई एलिमेंट है गैसेस स्टेट में है, एटम है गैसेस स्टेट में है, उसने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया अपना, जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या हुआ, उस एटम से फिर हमने उस कटायन से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या फॉर्म हो जाएगा, M+2, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर हमने उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, M+2 से एक इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव हो गया, इसमें बन गया M+3 गैसेस, क्या निकला, उसे क्या बोलेंगे, IE3, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात ये आती है, आप ये बताओ कि इन तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड में कौन सबसे ज्यादा होता है। आपने एक तरीका मैंने पढ़ा रखा है कि जितना ज्यादा कटायन होगा, जितना ज्यादा कटायन होगा एटम का साइज क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। एटम का साइज जब उतना ही छोटा होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, जितना कटायन ज्यादा उतना साइज छोटा और उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भाई बात समझ लो, चार्ज ऑन कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी की, जितना चार्ज होगा कटायन पे उतनी ही क्या होगी उसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, IE3, उससे कम किसकी होगी, IE2, और सबसे कम किसकी होगी, IE1। बोलो बात मिला। अब एक नोट लिखो, जब हमारा कोई ऑर्बिटल फुल फिल्ड स्टेट में है या हाफ फिल्ड स्टेट में, अगर हम फ्री ऑर्बिटल की बात करें
तो जब एक प्लेयर पूरा हो जाता है तीन और बैटर में तो उसको बोलते हैं हम लोग हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड स्टेट, हाफ फील्ड स्टेट। और जब पूरे पेयर हो जाते हैं तीन और बैटर इलेक्ट्रॉन से उनको बोलते हैं हम लोग फुल फील्ड स्टेट, फुल फील्ड स्टेट। ये तो ऐसी स्टेट होती है जिनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। फिर मैं इसमें पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब ज्यादा कब कम होगी, कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के साथ क्या रिलेशन होगा, और उसके बाद हम बात करेंगे आपकी नेट पेयर इफेक्ट की। थैंक यू।